पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अग्रवाल तुम जानते हो मैं ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, फिर भी तो रिलैक्स चौधरी, ये तो एन वक्त पर मुझे खबर मिली, वरना अग्रवाल ये प्लॉट खरीद में कामयाब हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ हरी भाई तो मैं इस प्लॉट में अग्रवाल की सवारी बना दूंगा। ये दास्तां है एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार की, जिन्हें हम शफी इनामदार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 23 अक्टूबर सन 1945 में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दरअसल हटके सिनेमा के साथ की, जैसे कि विजेता और अर्धसत्य। क्या बच्चों देखता हूँ कितनी दूर जाता है। शफी इनामदार साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की रत्नागिरी के पंगौरी डापोली में, और उसके बाद डोंगरी के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में पहुंच गए। शफी इनामदार साहब ने बीएससी की डिग्री ली मुंबई के केसी कॉलेज से। साल रहा सन 1963। अरे भाई इसको समझा देना मेरे रास्ते से हट जाए, कोई और प्लॉट देखे। स्कूल के ही दिनों से इनकी खासी रुचि थी अभिनय में। ये स्कूल के ड्रामास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। सिर्फ अभिनय ही नहीं करते थे बल्कि निर्देशन भी। स्कूल के डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी ये नजर आते और बड़े ही मकबूल और मशहूर लड़कों में इनका नाम शुमार होता। कॉलेज के दिनों में इन्होंने अपने हुनर को और निखारा। इस बात पर भी गौर करना होगा कि गुजराती रंगमंच की महान विभूति प्रवीण जोशी के सानिध्य में अपने अभिनय और निर्देशन के हुनर को निखारा। इस प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तुम शायद भूल रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ था और उसने इस प्रोजेक्ट की स्टडी भी की। तकरीबन 30 नाटकों में इन्होंने काम किया, हिंदी गुजराती मराठी और अंग्रेजी। सन 1973 से लेकर सन 1978 तक ये रंगमंच पर खासे सक्रिय रहे। उसके बाद इनकी मुलाकात बलराज साहनी साहब से हुई, वो भी तब जब शफी इनामदार साहब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा के सदस्य बन गए। कोई प्रॉब्लम है राज? कॉलेज के ड्रामे में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना? नहीं कोई गड़बड़ नहीं। किसी और से कोई अनबन? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। इनके जीवन में एक बड़ा ही सुखद मोड़ तब आया जब महान लेखिका इसमत चुगतई का नाटक नीला कमरा इन्होंने मंचित किया। शफी इनामदार साहब ने रंगमंच में अपना जबरदस्त योगदान दिया। इन्होंने अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप बनाया, नाम रखा हम प्रोडक्शंस। ये साल रहा सन 1982। इंस्पेक्टर कानून मैंने नहीं, इसने हाथ में ले रखा है, देखिए इसके हाथ में कानून है, बंदूक है। तो मॉडर्न थिएटर रहा या फिर लोक कलाओं से प्रभावित रंगमंच, हर तरह के नाटक इन्होंने मंचित किए। सन 1984 में ये भारतीय टेलीविजन के सबसे मशहूर सीरियल का हिस्सा बने। सीरियल का नाम रहा ये जो है जिंदगी। इनके साथ स्वरूप संपत थी जो कि इनकी बीवी का किरदार निभा रही थी, और इनके साले का किरदार निभाया था राकेश बेदी ने। तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठेगा। भाई मेरा सर न हुआ कुतुब मीनार हो गया जो मेरे सर पर चढ़कर बैठेगा। क्या किया है उसने? ये मिर्जा गालिब में नजर आए थे जिसमें इन्होंने जौक का किरदार निभाया था। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इनकी आवाज, इनके अभिनय का दमखम देखते ही बनता था। कॉलेज में तुम्हें सिर्फ अग्रवाल की लड़की मिली थी, दूसरी लड़कियां नहीं थी? खबरदार जो फिर उससे मिलने की कोशिश की तो। किसी भी तरह का किरदार क्यों ना हो, हमेशा इनके अभिनय का मुख्तलिफ अंदाज उसमें नजर आता था। शशि कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी विजेता, और गोविंद निहलानी साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। उसके बाद ये अर्धसत्य में नजर आए। बीआर चोपड़ा साहब की फिल्म आज की आवाज में इन्होंने जबरदस्त रोल निभाया था, जिसके लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बीआर चोपड़ा साहब के साथ इन्होंने फिर आगे भी बहुत काम किया। इनकी कॉमिक टाइमिंग, इनका संजीदा अंदाज, जबरदस्त शख्सियत सभी का मन मोह लेती थी। सुनते हो जी? इस घर में मेरी पोजीशन ये है कि आप कहती रहती हैं और मैं सुनता रहता हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, सुनाओ। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनकी शादी हुई जानी मानी अभिनेत्री भक्ति बर्वे से। अभी तो ऐसा लग रहा था कि शफी इनामदार और भी काम करेंगे। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों में अपना योगदान दिया था। तभी 13 मार्च सन 1996 में वो घड़ी आई जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। ऐसा बताया गया ये उस वक्त सन 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला जा रहा इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच देख रहे थे। और ये बात भी बड़ी अजब है कि तकरीबन 5-6 बरस के बाद इनकी बीवी भक्ति बर्वे का भी एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। शफी इनामदार उन अभिनेताओं में से रहे जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से ही सबको मुतासर नहीं किया बल्कि बहुत से नए कलाकारों के लिए एक नई राह बनाई। भारतीय कला के इतिहास में शफी इनामदार साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।